हेलो बच्चों, आज हम लोग बात करने वाले हैं सिग्निफिकेंस ऑफ वेजिटेटिव प्रोपगेशन। वेजिटेटिव प्रोपगेशन तो आपने देख लिया कैसे होता है, लेकिन इसकी ज़रूरत क्या है। अगर आप खुद सोचिए इसकी ज़रूरत क्या होगी। अगर बात करें इसकी ज़रूरत की तो बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। जैसे कहीं कहीं ऐसा इन्वायरमेंट होता है कि प्लांट्स ग्रो नहीं कर पाते, सीड्स जो होते हैं वो जर्मिनेट नहीं कर पाते हैं। वहाँ पे माइक्रो ये वेजिटेटिव प्रोपोगेशन किया जा सकता है। वेजिटेटिव प्रोपोगेशन के थ्रू प्लांट्स ग्रो अप कर सकते हैं। लेट्स सी, इट इज़ यूज टू प्रोपोगेट अ प्लांट इन विच वाइबल सीड्स आर नॉट फॉर्म और वेरी फ्यू सीड्स आर प्रोड्यूस। जैसे कुछ प्लांट्स आपने देखे होंगे, ऐसे भी होते होंगे कि उसमें बहुत ज़्यादा सीड्स नहीं पाए जाते हैं या कुछ कुछ में सीड्स होते ही नहीं हैं। तो यहाँ पे वेजिटेटिव प्रोपोगेशन को यूज़ किया जाता है और उसके थ्रू न्यू प्लांट्स का फॉर्मेशन किया जाता है। जैसे आपने ऑरेंज में देखा होगा, ऑरेंज में कितने सीड्स होते हैं। ऑरेंज का जो स्लाइस निकालते हैं तो उसमें एक एक दो दो सीड्स मिलते हैं बस। पाइनएप्पल में दिखता ही नहीं है, बनाना में भी नहीं दिखता है। इन प्लांट्स में सीड्स की काफ़ी कमी होती है और कुछ कुछ में तो होता ही नहीं है। इनके लिए वेजिटेटिव प्रोपोगेशन बहुत ज़्यादा एक अच्छा तरीका है जिससे कि नए प्लांट को ग्रो किया जा सकता है। वेजिटेटिव प्रोपोगेशन हेल्प करता है प्लांट को न्यू एरियाज में इंट्रोड्यूस करने के लिए, वेयर सीड जर्मिनेशन फेल टू प्रोड्यूस मेच्योर प्लांट ड्यू टू चेंज इन एनवायरमेंटल फैक्टर एंड द सॉइल। अब देखो, कहीं कहीं ऐसी भी सिचुएशन आ जाती है कि एनवायरमेंटल फैक्टर्स बहुत अलग होते हैं, सॉइल की कंडीशन बहुत अलग होती है, तो वहाँ पे ना सीड्स जर्मिनेट नहीं कर पाते। ऐसी जगहों पे वेजिटेटिव प्रोपोगेशन को यूज़ करके नया प्लांट लगाया जा सकता है। अब यही यहाँ पे कह रहे हैं कि जब किसी नए एरिया में प्लांट को इंट्रोड्यूस करना हो, मान लीजिए हमने कोई ऐसी स्पीशीज लाई है प्लांट की कि जो यहाँ पे नहीं होती है, बाहर से मंगाई है, तो अब उसके लिए हम क्या करेंगे, सीड जर्मिनेट नहीं हो रहा है क्योंकि एनवायरमेंटल कंडीशंस वैसी नहीं है, तो उसके लिए वेजिटेटिव प्रोपोगेशन करेंगे हम लोग। उसके बाद हम लोग एरिया में अपने लैंड पे उसको लगा देंगे और प्लांट ग्रो कर जाएगा। ठीक है, वेजिटेटिव प्रोपोगेशन बहुत रैपिड होता है, ईजियर होता है, चीपर मेथड होता है फॉर मल्टीप्लीकेशन ऑफ प्लांट्स। प्लांट्स का ये जो मल्टीप्लीकेशन होता है, मतलब मल्टीपल नंबर ऑफ कॉपीज का फॉर्मेशन होता है, उसके हिसाब से देखें तो ये काफ़ी जल्दी भी हो जाता है, ईजीली भी हो जाता है और सस्ता भी पड़ता है। ठीक है, बाई दीज मेथड गुड क्वालिटी ऑफ रेस और वराइटी कैन बी प्रिजर्व। एक बढ़िया क्वालिटी का वैरायटी हम लोग प्रिजर्व कर सकते हैं। मतलब जैसे आज के टाइम में बहुत चीज़ें हाइब्रिड हो गई हैं, तो जो प्योर क्वालिटी है प्लांट की उसको प्रिजर्व किया जा सकता है, उसको ग्रो करवाया जा सकता है और उससे कई सारे फायदे भी लिए जा सकते हैं। कहीं भी ग्रो करवा लिया, कुछ भी हेल्प हो गया, मेडिसिनल प्लांट्स हैं तो ग्रो करवाने में काफ़ी इनको हेल्प हो जाती है और प्रिजर्वेशन में भी काफ़ी हेल्प हो जाती है। Most of the ornamental plants are propagated through vegetative propagation. ornamental plants में rose आ जाते हैं, tulips आ जाते हैं, orchids आ जाते हैं। ये जो ornamental plants होते हैं, इनको vegetative propagation के through बड़ा बढ़िया तरीके से, easy तरीके से grow करवाया जाता है और ये काफ़ी helpful भी साबित होते हैं। तो ये तो पूरा सिग्निफिकेंस है वेजिटेटिव प्रोपोगेशन का। आई होप अब आपको समझ में आ गया होगा कि वेजिटेटिव प्रोपोगेशन की ज़रूरत क्यों पड़ती है। लेकिन अगर कुछ नहीं भी समझ में आया, सो यू आर फ्री टू आस्क, आप कमेंट करिए, हम आंसर करेंगे, रिप्लाई करेंगे। टेक केयर, गुड बाय।